बहुत सब ब्यूटीफुल पीपल, आप देख रहे हो कितना खुश हूँ मैं आज। खुशी का रीज़न भी आपको टाइटल से तो पता लग ही गया होगा, पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो जो निसान लीफ जो मेरी इलेक्ट्रिक कार है, वो अबाउट 1 साल 3 महीना 15 महीने से कार रखी है मैंने अपने पास। नई कार ली थी पिछले साल, इस साल और पिछले साल से इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। वो तो आपने देखा था मेरी प्रीवियस वीडियो में कि वो रिस्टार्ट मार जाता था, पूरा कॉन्सोल उन्होंने रिप्लेस कर दिया फिर भी उनसे ठीक नहीं हुआ। तो 5-6 बारी मैं उनसे ठीक करवा चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ पर एक लॉ होता है, लेमन लॉ बोलते हैं यहाँ पे US में, उसके थ्रू मैंने उनको कंप्लेंट करी और फाइनली निसान वाले वो कार वापस ले रहे हैं, मेरे पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कार फ्री में चलाई हमने 15 महीने, 1 साल, एक साल डेढ़ साल 15 महीना, पूरे के पूरे पैसे वापस मिल रहे हैं गाइस। आज कॉन्फर्मेशन आ चुका है, तो अभी तक प्रोसेस चल रहा था मेरा। वैसे डीलरशिप इतनी बुरी नहीं थी, लाइक अच्छे लोग थे, काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरा प्रोसेस। मैंने कंप्लेंट करी, जल्दी जल्दी प्रोसेस हो गया, जो डॉक्यूमेंटेशन दी मैंने उनको, सर्विस रिकॉर्ड दिए अपने, और अब उन्होंने प्रोसेस कर दिया। जो सारी पेमेंट मैंने डाउन पेमेंट जितनी करी कार के ऊपर, मैंने मंथली पेमेंट जितनी करी हैं और जो भी खर्चा हुआ है वो सब वापस आएगा कार का। अब मुझे 2 दिन बाद कार को लौटा के आना है उनको, तो मैंने सोचा आपके साथ आपको बता दूँ, गुड न्यूज़ शेयर करता हूँ। इट्स अ गुड न्यूज़ राइट, कि एक प्रॉब्लम वाली कार जा रही है और आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड न्यूज़। आपने 1 साल कार चलाई फ्री में क्योंकि पैसे वापस मिल रहे सारे। दूसरा, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक कार्स पे रिबेट भी होती हैं यहाँ पर US में, तो मुझे वो रिबेट्स भी मिली हैं, लाइक $7,500 फेडरल गवर्नमेंट की रिबेट होती है, $2,000 कैलिफोर्निया की रिबेट थी, $1,000 इलेक्ट्रिसिटी की रिबेट थी। तो $10,500 तो मुझे वैसे भी मिल चुके हैं। तो कार चलाई फ्री में 1 साल, पैसे मिले अलग। मेरे हाथ में ना रबड़ बैंड है, तो बड़ी उसमें इंटरेस्टेड है, बड़ी को सारी नई चीज़ें चाहिए होती हैं। रबड़ बैंड क्यों है वो मैं आपको दिखा दूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग हैक मैंने देखा था इंटरनेट पे। अब जो कार लौटानी है मुझे, तो सारा सामान भी लौटाना है, इनफैक्ट उसका चार्जर लौटाना है। चार्जर मैंने दीवार पे लगा रखा है, और जब मैं दीवार में ड्रिल कर रहा था, उस चार्जर के जो स्क्रूज़ हैं वो ख़राब हो चुके हैं, तो मेरे से निकल नहीं रहे स्क्रूज़। तो मैंने एक हैक देखा इंटरनेट पे, आप रबड़ बैंड लगा के अगर उसको वापस से अनस्क्रू करो तो निकल जाता है, ऐसा मैंने देखा है। बड़ी बड़ी क्या करना है, बस स्टॉप। तो अभी ट्राई करते हैं, कार को वापस से रेडी करेंगे। थोड़ा सी गंदी हो रही है, साफ भी कर दूँ, बड़ी के बाल हो रहे हैं बहुत। डैश कैम निकालना है और सनग्लासेस वगैरह, गैराज का रिमोट, ये सब निकालना है। कार रेडी करेंगे और छोड़ के आते हैं 2 दिन बाद। चलो मैं ज़रा ये हैक ट्राई करता हूँ, आई एम प्रीटी श्योर ये नहीं काम करने वाला। बहुत ही बुरा फंसा हुआ है स्क्रू दीवार के अंदर, ये रबर बैंड फट जाएगा, बट लेट्स ट्राई। अरे क्यूरियस जॉर्ज, बड़ी गाइस आपको क्यूरियस जॉर्ज पता है, एक कार्टून आती है उसमें एक मंकी है। तो ऐसा नहीं कि मैं बड़ी को मंकी से कंपेयर कर रहा हूँ, पर मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, उसका नाम है क्यूरियस जॉर्ज। तो बड़ी भी क्यूरियस जॉर्ज है, हर चीज़ में, हर चीज़ के लिए क्यूरियस रहता है वो। क्या रबर बैंड चेंज नहीं मिल रहा है? ओके, तो ये चार्जर बहुत हैवी है इसलिए दीवार में टांगना पड़ता है इसको। और ये जो पीछे स्क्रूज आप देख रहे हो, ये बहुत जम गए हैं दीवार में, तो ये स्ट्रिप होने लग गए हैं। ये वाला तो निकल जाएगा शायद, ये तो ढीला है, पर ये वाला जमा हुआ है और ऊपर से ना स्ट्रिप होने लग गए हैं, तो ये ना घूमता नहीं इसके ऊपर। अब अगर ड्रिल मशीन से करो, ड्रिल मशीन से भी और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, बल्कि ऊपर से देखो फिसल जाता है। तो इंटरनेट पे लिखा था अगर आप रबड़ बैंड लगा के करोगे, कहाँ लगाऊंगा उसके ऊपर, तो स्लिप नहीं करेगा। फेल हो गया था इंटरनेट वाला, कुछ और हैक देखना पड़ेगा। कैसे निकालूं, कुछ और देखना पड़ेगा। ड्रिल ट्राई कर लो एक बारी, ड्रिल से और खराब हो जाएंगे। क्यूरियस जॉर्ज आ गया, क्यूरियस जॉर्ज अब आ गया। क्यूरियस जॉर्ज को चला दूंगा ना, करिए डर गया। बॉल ट्राई कर रहे हो ये सब चीजें, एक बार ट्राई करके देखता हूँ खराब ना, वरना एक्सटर्नल हेल्प लानी पड़ेगी मुझे। मैं करूंगी एक्सटर्नल, बाकी अगर ये नहीं हुआ तो शुक्र है एक तो आया।
बहुत स्लो कर रहा हूँ, बहुत स्लो। कम बेस्ती होगी, एक तो निकला। ओह माय गॉड, निकल रहा है, निकल रहा है। मैंने इस बार ना पावर बढ़ा दी ड्रिल की, लाइक ऑलमोस्ट फुल कर दी है, और इस बार देखने निकल रहा है। हाँ निकल गया, निकल गया। यार ये ट्रिक काम करती है इंटरनेट वाली। वाह नाइस, अब अभी निकल गया, अभी बढ़िया। एक और बचे, तो अगर आपका भी ऐसे नेल फंस जाए कहीं पे, स्क्रू फंस जाए, तो आप भी ऐसे रबर बैंड लगा के कर सकते हैं, वरना आप शिल्पा को बुला सकते हैं, शिल्पा सीख गई है। मैं MSI और मैं ओके, कुछ भी काम नहीं करा है, एक स्क्रू अभी भी बचा हुआ है निकालने के लिए, तो हमें आना पड़ा है हार्डवेयर स्टोर, क्योंकि मैंने देखा था वीडियोस में एक टूल आता है ग्रैबिट करके, उससे निकल जाएगा। ग्रैबिट, तो वो ढूंढते चल के, और यहीं कहीं होगा, ढूंढते हैं फिर आपको बताते हैं। दो टू साइड होता है वो, एक साइड होता है इसका लाइक खोदने के लिए, एक होता है निकालने के लिए। ऐसा कुछ है, डैमेज स्क्रू रिमूवर। एक्सक्यूज मी, यू नो वेयर कैन आई फाइंड द डैमेज स्क्रू रिमूवर, लाइक यू नो द वॉर्न आउट स्क्रूज? A screw or not? It's a screw. Yeah. Oh yeah, I think. Yeah, that's it. मिल गया भाई इस बंदे ने, उन्हें स्पाइरल कॉल, स्पाइरल स्क्रू एक्सट्रैक्टर। ये कौन सा रिमूव स्ट्रिप स्क्रूज इन सेकेंड्स? हाँ ऐसे ही है, पर ये चार चार क्यों है, अलग अलग साइज के, काम करता है ले लेते हैं, यू नो फ्यूचर के लिए काम आ जाएगा। लंबा चलेगा, देखो कैसे काम करता है। पहले इसको ड्रिल करो, फिर बिट को चेंज करो, फिर एक्सट्रैक्ट कर दो। ओके, मैनुअल पढ़ना बहुत जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। मैनुअल में लिखा होता है कैसे कैसे करना है। इस पूरी वीडियो में हमारा ये स्क्रू ही नहीं निकला है। हमारी पूरी वीडियो स्क्रू के ऊपर बन गई। हे भगवान, प्लीज निकलवा देना, नहीं निकला तो मैं क्या करूंगा इसके बाद में। बड़ी ने पूरा साथ दिया हमारा, यहीं पर ही बैठ के हमेशा। गाइस सेफ्टी फर्स्ट, आधी वीडियो हो गई है, आप सेफ्टी की याद आ गया। ओके, मार्केट में आगे मुझे लाना पड़ा है। अब अगला स्टेप वो है ये कटिंग टूल, रोटरी टूल है, रोटरी कटिंग टूल। इसके अंदर लगाएंगे हम कटिंग ब्लेड और स्क्रू को काटेंगे आधे में, फिर हम होपफुली पेचकस से निकालने में सक्सेसफुल रहेंगे। लेट्स सी फाइनल स्टेप, नहीं हुआ तो पता नहीं क्या करेंगे। चलो भाई ये भी ट्राई कर लेते, अगर ये नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो भाई मैं हाथ खड़े कर दूंगा, मुझे नहीं पता। नहीं अगर ये नहीं हुआ ना तो घर भेजना पड़ेगा। नया कर लेना, एक नया टूल लाना पड़ा इसके लिए। गाइस देखा, यूएस में रहने का नुकसान, सारे काम खुद करने पड़ते हैं, वरना करवाओगे तो बहुत महंगा पड़ता है बाहर से। अगर अगर इंडिया में होता ना, 50 रुपये में एक बंदा हायर कर लेते, वो कर देता, नहीं निकाल देता, वो कर देता। ओके okay, भगवान प्लीज करवा देना। हो रहा है, वैसे काम कर रहा है, मेरे हाथ पे तो नहीं आ जाएगी। ऑलराइट लेट्स सी क्या हुआ। ओह माय गॉड, थैंक यू, होने लगा है बॉडी पीछे वाटर। ओके सर, मैं पहले दिखा देता हूँ, तो लेट मी शो यू क्या किया है हमने। तो ये जो पीछे पेज दिख रहा है आपको, इसके अंदर हमने उसके अंदर हमने कट करके बिल्कुल वर्टिकल एक हाफ कर दिया स्क्रू को। अब इसके अंदर हम स्क्रू ड्राइवर से इसको घुमा पा रहे हैं। अब ये स्क्रू ड्राइवर से फ्लैट हो गया ऊपर से, और मैंने ट्राई कर लिया, अभी घूम रहा है फाइनली। सो दिस इज़ हाउ यू टेक अ जैम स्क्रू आउट। After 84 years. घूम रहा है फाइनली। मुझे लग रहा है मैं तो बुड्ढी हो गई हूँ। Finally, finally, finally. Oh my
बड़ी देख रहा है। ओह साल लग गए पर निकाल दिया उसे। ओह माय गॉड, कैसी थी दीवार, क्या हाल हो गया, क्या हाल हो गया दीवार का बेचारी। ये स्क्रू हल्का सा मुड़ गया, देख रहे हो, देखो हल्का सा मुड़ गया स्क्रू। हाँ ये नहीं नहीं हमने ऐसे ही डाला था ना, इस वजह से नहीं निकल रहा था, नहीं खींचने के चक्कर में मुड़ गया थोड़ा सा। फाइनली हमारे 50,000 साल के बाद फाइनली निकाल दिया हमने। तो फाइनली 50,000 साल के बाद हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो बनानी थी हमें कार को लौटाने वाली उसकी प्रिपरेशन के लिए, और मुझे लग रहा है ये वीडियो हमने स्क्रू ड्राइवर को निकालने के लिए लगा दी पूरी। पूरी वीडियो यही आएगा आई थिंक, यही बनाया। तो एक काम करते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कार का रिटर्न का प्रोसेस और हम कार को लुटा के आ रहे हैं। और गाइस फाइनली थक गए हैं पर बहुत खुशी हो रही है कि हमने निकाल दिया। एंड दिस इज हाउ यू टेक अ स्ट्रिप स्क्रू आउट ऑफ द वॉल। बाय गाइस, बाय फॉर नाउ, विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।